जिंदगी में इतना ज्यादा उतार चढ़ाव है, शायद मैं अपन आत्महत्या के सिवाय मैं कभी सोच नहीं सकूं कि मैं जीवन जी सकूं। मुझे यही लगता है कि दुनिया में हर कोई के माँ बाप है, गरीब के कोई माँ बाप नहीं है। मोर पति गैया बकरी चरात रही, मैं अपन पति के साथ फिर 20 साल तक गैया बकरी चराया। ये एक गांव में आके पूरा गांव के गाय बकरी चराए के बाद मुझे एहसास हुई कि एक बेटी लग कितना संघर्ष में जिंदगी जी लगते, एक कांटो भरे जिंदगी से जीना पड़ते। वहां भी माँ बाप ये बोलते कि बोझ है बेटी है और ससुराल जाना है, यहाँ आते तो वो ही परिस्थिति में गुजरना पड़ते। जो एक बीस साल के बीच तक मैं गांव में गाय बकरी चरा चरा के पूरा बाल में लाट बंधे रहा है, पैर में बड़े बड़े फोड़ा पड़े रहा है और साड़ी 50 जगह फटे हुए, साड़ी एक साड़ी दो वो साड़ी पहन, और वो छोटे से झोपड़ी में मैं जब शुरुआत करे हूँ गाय बकरी चरा के, तो वो देखते देखते मोर 20 साल के बीच में मोर दो बेटी दो बेटा जन्म धर ली। जो माँ 9 महीना से अपन बच्चा ला गोद में कोक में पालते, जो कई हड्डी के टूटन दर्द ला सही के वो अपन बच्चे ला जन्म देते, खुद भूखे रही खुद प्यासे रही खुद तपत रही बुखार में, लेकिन माँ तो माँ होते ना। दुनिया में सब चीज हो सकते, सब हर कोई सहन कर सकते, लेकिन माँ कभी अपन औलाद के भूख प्यास बर्दाश्त नहीं कर सके। तड़पते हुए मैं अपन औलाद ला देखी हूँ, 1.5 साल के बच्चा खड़े नहीं हो सके भूख के कारण, मुंह से आवाज नहीं आए, छोटे छोटे लड़के मन खड़े नहीं हो सके। मैं एक गांव में जब पूरा गांव के गैया चरा के आऊँ 6 बजे, तो मैं अपन बच्चे मन ला गोद में लेके पूरा गली गली में घूमू कि एक गिला चावल दो, मोर बच्चे मन 2 दिन हो गए 3 दिन हो गए खाना नहीं खाए। 10 बजे रात तक जैसे जाऊँ तो सबसे पहली मोर का है हमार गाँव को कुतिया आते, हमार गाँव के भिखारी आते, हमार गाँव के भिकमंगी ना आते, हंसी उड़ाए दरवाजा बंद कर दे मजाक उड़ाए। एक माँ पर सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि एक माँ एक लाचार माँ के ऊपर पूरा दुनिया का बन हंसते, वो काबर नहीं देखे कि एक गरीब माँ है वो अपन बच्चे ला कैसे करके छोटे से बड़े करते, थोड़ा मदद करे के सिवाय हंसी के पात्र बन चुके रहो। पूरा गली में 10 बजे 11 बजे रात तक घूमते रहो कि कम से कम एक दाना तो मिल जाए चावल के, एक गिलास चावल तो दे दे, लेकिन चावल तो बहुत दूर के बाद, एक चावल की मार ला भी कटोरा ले के बच्चे मन रात ले घूमे कि चावल के मार तो दो, लेकिन चावल के मार ला दाना में गाय के दाना में डाल दे, लेकिन कोई ला दया नहीं आए। एक दिन 2 दिन 3 दिन बीतते जाए एक माँ लाचार हो सकती, और अंत में बस यही सोचे कि आज के बाद ये जीवन ये दुनिया मोर बर एक काला है। इतने बड़े दुनिया में एक माँ ला सहारा देने वाला एक बच्चे ला सहारा देने वाला कोई नहीं है। तो मैं आत्महत्या करे बर अपन बच्चे मन लेके ट्रेन में निकल गई, यहाँ से 3 किलोमीटर बाकल स्टेशन है, धनगांव स्टेशन है। तो मैं चारों छोट 1.5 साल के बच्चे गोदी में ले हूँ, 3 मई के समय रिस 3 मई के दिन रिस, पैर में पूरा खुला पड़ रहा है और चारों बच्चे लेके गाड़ी में कटाए बर निकल गए हूँ कि आज के बाद मैं अपन आप ला अंत करूँ और अपन अपन बच्चे मन भी पूरा मार दूँ। एक माँ का करी लाचार होते, जब बच्चा भूख में तड़फत है तो माँ ओकर से बड़े और कुछ नहीं है। तो जैसे मैं गया हूँ बिल्कुल थोड़ा से बचे रही तो पंद्रह बीस कदम ही रही से गाड़ी ट्रेन आवाज आई, दोनों तरफ से ट्रेन आवाज आई, तो मोर बच्चे मन तड़प गए चारों चारों, इतना चिल्ला चिल्ला के रोके दोनों बच्चा बड़े जो बच्चा रही सो मन दोनों पैर ला पकड़ के गुड़िया मन चिल्ला चिल्ला के रोल लगी इसके माँ हमला नहीं मरना है हमला जीना है। और पता हो गया कि माँ अब हमार मन के अंत आ गए, आज के बाद हम तो कभी खाना नहीं मंगन माँ, हम जीना चाहतन। और शायद ओ दिन मोर अंतर आत्मा जागीस कि मैं कितना बड़े पाप करत, आज मैं तो भूखे प्यास हूँ मोर बच्चे मन भूखे, लेकिन दुनिया में मोर जिसे कितना माँ बाप हुई मन में भूखे प्यासे मरत हुई और आत्मा का कहत हुई। अब वो दिन लगी कि नहीं अब मोल मरना नहीं है, मैं अपन बच्चे मन नहीं मारो ना मैं मरो, आज के बाद जीऊँ तो समाज भर
और मरहू भी तो समाज में।